और बाय द वे कि आज की क्या अपडेट क्या है? हेलो क्या क्या आज की गेमिंग अपडेट क्या है? अरे बहुत सारा, पहले तो रेड डेड रिडेम्पशन 2 मालूम है? हाँ वो पीसी के लिए आ रहा है नवंबर को, नवंबर शायद 4 है या नवंबर 12 है, एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम, लेकिन नवंबर में पीसी के लिए रिलीज हो रहा है। तो मैंने तो सारे जीटीए फैंस वो एकदम ऐसा हाइप अप लग हुआ, क्योंकि पीसी के लिए तो बहुत अच्छा गेम है वो। मालूम क्या उसका रिव्यूज देखे ना तू, तो आईजीएन वालों ने भी 10 आउट ऑफ 10 दिया है। हाँ ना, अरे नहीं गेम बहुत सही है, वो गेम बहुत सही है, मतलब वाइल्ड वेस्ट पे बेस्ड है, ऊपर से मतलब गेम का जो फ्लो है बहुत सही है, गेम का बैकग्राउंड और लोगों ने जो डिटेल लिया, मतलब लेवल ऑफ डिटेल रखा ना खेलना, वो बहुत ही मतलब ऐसा इंस्पायरिंग है। उतना ऐसा लेवल ऑफ डिटेल रखने के लिए बहुत ऐसा डेडिकेशन चाहिए होता है गेम बनाने में, बहुत उन लोगों ने बहुत सारी चीजें बहुत ऐसा मिनिमलिस्ट डिटेल्स है लेकिन उन लोगों ने रखी है गेम में। हाँ लेकिन एक है कि स्टीम पे नंबर पे रिलीज नहीं होगा, ये एपिक गेम्स वालों का छुट्टियां पाया, तो उन लोगों ने शायद अब गेम के मतलब ऐसा 1 month एक्सक्लूसिव पीरियड खरीद लिया उन लोगों ने, तो स्टीम पे दिसंबर में रिलीज होगा, स्टीम पे दिसंबर में आएगा, तो एपिक गेम्स स्टोर से खरीदना पड़ेगा। स्टीम इतनी अच्छी जगह पे थी, डाल सकता है, लेकिन ये एक्सक्लूसिविटी पीरियड का क्या सीन है, कोई अच्छा गेम होता है ना, जैसे कि ब्रेक पॉइंट ले लेटेस्ट आया हुआ घोस्ट रिकॉन ब्रेक पॉइंट, या फिर अभी यूबीसॉफ्ट के तो वॉच डॉग्स लीजन आएगा, तो ये एपिक गेम स्टोर क्या करती है, अपने स्टोर में व्यूअर बेस बढ़ाने के लिए थोड़े टाइम के लिए एक्सक्लूसिविटी पीरियड एक्सक्लूसिव साइन डील साइन अप करती है यूबीसॉफ्ट से और ऐसे कंपनी से, जिसमें यूबीसॉफ्ट वालों को थोड़े पैसे मिलते हैं, लगभग काइंड ऑफ वैसे 1 million डील 2 million डील वैसे $2 million की डील वैसे, और वो लोग क्या करते हैं उनका जो गेम है वो सिर्फ थोड़े टाइम पीरियड के लिए सिर्फ एपिक गेम स्टोर के लिए मतलब दिखाते हैं, उस पर ही डालते हैं एज अ सेलेबल, या फिर उनके खुद के प्लेटफॉर्म पे यू प्ले पे। तो बेसिकली यूबीसॉफ्ट सबसे पैसा कमा रही है, उससे पैसा कमा रही है, और क्योंकि लोग उनके प्लेटफॉर्म पे नहीं, लेकिन एपिक गेम्स स्टोर को अरे लेकिन एपिक गेम स्टोर को पैसे की कमी थोड़ी है, फोर्टनाइट इतना अभी भी चल ही रहा है तो पैसा तो आ ही रहा है कंटिन्यू, तो वो लोग फोर्टनाइट का पैसा इसी में डाल रहा है, उनका एपिक गेम स्टोर है ना उसमें ही वो लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद प्रॉफिटेबल होता रहेगा उनको एपिक गेम स्टोर वालों को अच्छा खासा, क्योंकि वो लोग उनकी डील्स स्टीम से कुछ डील्स तो बहुत अच्छी है स्टीम से, ऊपर से जो फ्री गेम्स का जो डील है जिसमें मतलब मेरे जैसे यूजर्स है वो हर वीकली चेकअप तो मतलब चेक इन तो करते ही है देखने के लिए को, इस वीक कौन सा गेम फ्री है करके, तो वो भी एक अच्छी बात है, और वो लोग अभी बाई वीकली बेसिस पे देने लग गए गेम फ्री, और ऊपर से कुछ कुछ वीक्स में तो दो दो गेम फ्री मिलता है। वो तो है, पर मैं क्या बोलता हूँ एपिक गेम को ना क्या करना चाहिए बेसिकली इंडिया के लिए करेंसी वो सब डाल लेना चाहिए, इंडियन करेंसी रुपीज का ऑप्शन नहीं है, हमें डॉलर कन्वर्जन करके ही देना पड़ता, लेकिन क्या कर सकते अभी वो लोग कर ही रहे होंगे कुछ ना कुछ। तेरे को मालूम AMD वाले नया ग्राफिक कार्ड रिलीज कर रहे हैं, वो RX 580 सीरीज, जो RX 580 सीरीज है ना उनका, उसको कम्प्लीटली रिप्लेस करने वाला है, तो 1650 और उसके बजट में आएगा, 1650 है ना इंडिया परफॉर्मेंस वही 1650 से लगभग 20-30% ज़्यादा रहेगा, 1060 जितना, लेकिन प्राइस 1650 जितना ही रहेगा, मतलब अपने लिए 11-12 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 14 हज़ार, लेकिन परफॉर्मेंस 1060 जितना, 1060 और 1060 थोड़ा ज़्यादा 1660 जितना। और कोई न्यूज है, अरे बहुत सारी न्यूज, तो ये AMD वाली न्यूज है, ये इंटेल वाले अपने नए CPU लॉन्च कर रहे हैं, वो उन्होंने प्राइस सीधा पिछले मतलब पिछले जनरेशन से सीधा आधा कर दिया कंपटीशन की वजह से AMD वाले, क्योंकि भाई AMD का जो भी जो प्रोसेसर निकला था वो 64 कोर वाला,
अरे नहीं नहीं वो एपिक प्रोसेसर की बात नहीं कर रहा, ये कंज्यूमर ग्रेड की बात कर रहा है। ये तो बोल रहा है वो सर्वर ग्रेड है, सर्वर ग्रेड है। अभी एएमडी वालों ने दो नए प्रोसेसर निकाले, 3500X है और एक 3950 है। लेकिन 3950 में भी दो वर्जन है, 3950 और 3950X। एक है वो 65W TDP वाला है और एक है वो 105 TDP वाला है। दोनों में 12 कोर 24 थ्रेड है। लेकिन वो 3900 और 3900X 3950 वाला का अलग है। और ये 3500X वाला जो प्रोसेसर है वो सिर्फ जापान के लिए, चाइना के लिए, चाइना के मार्केट के लिए, ओनली फॉर चाइना, जापान चाइना के लिए अभी। और ये 3500 है वो OEM के लिए, मतलब जो HP वाले जो प्रीबिल्ट पीसीज में उसको बनाता है ना, उसके लिए 3500। लेकिन ये जो मैं ग्राफिक कार्ड की बात कर रहा था ना पहले, 6500 इस AMD के, तो वो ग्राफिक कार्ड अच्छा होने वाला है, क्योंकि वो दो वेरिएंट में निकला है, तो 6500M वेरिएंट वाला है और 6500 यूजुअल डेस्कटॉप के लिए। वो M वेरिएंट वाला है वो भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, एटलीस्ट 1650 का मतलब 18-20% ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है। और जो PC वेरिएंट है वो भी निकल रहा है, वो कितने कोर से बेसिकली, क्या क्या निकाला, अरे उन लोगों ने पूरा लाइनअप निकाला ना, पर कास्केड लेक उसका लाइनअप है पूरा, तो नाम भी बहुत वियर्ड है उसका। लेकिन वही 4 कोर से लेके 8 कोर तक है, तो उसमें भी मतलब ऐसे बहुत सारे ये है, 9100F कैसा था, 9100F, 9100X, 9300X था, फिर उसके बाद ऐसे बहुत, तो वैसे ऐसे सीरीज में उन लोगों ने पूरा ऐसे सीरीज मतलब निकलने वाला है, निकला नहीं है, निकलने वाला है शायद। नहीं नहीं इंटेल के प्रोसेसर गेमिंग के लिए अच्छा है, लेकिन महंगे है थोड़ा। AMD के प्रोसेसर भी अच्छा है, उन लोगों ने अभी IPC गेम किया तो इंटेल के लेवल में तो आ ही गया, और इंटेल से कम प्राइस में दे रहा है, तो दोनों तरफ अच्छा ही है। और ऊपर से ये इंटेल में वो क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना हैकिंग के, और उसके क्या बोलूँ उसको, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं मतलब इंटेल के प्रोसेसर में, मतलब जैसे न्यूज आ रही है बात बात की कुछ जो मतलब कुछ AMD में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, इंटेल के CPU में प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो AMD इंटेल के CPU का मार्केट डाउन कर रहा है, सेल्स बढ़ा रही थी, मतलब उनके प्रोसेसर क्या है AMD के सेम परफॉर्मेंस दे रहे हैं इंटेल जितना, या थोड़ा अच्छा और एफिशिएंट परफॉर्मेंस, मतलब PDP भी थोड़ा कम है, लेकिन प्राइस बहुत कम है इंटेल में, तो ये कि इंटेल का मार्केट शेयर डाउन कर रहा है। और इंटेल के CPU में एक्सपर्ट्स भी है थोड़ा, मतलब जैसे न्यूज़ में आ रहे हैं बहुत सारे कि ये एक्सपर्ट है जिससे हैकर यूज करके तुम्हारा डाटा चुरा सकते हैं, मतलब जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट इसमें निकल के आ रहे हैं इंटेल के CPU में। चीज़ हो गया था बीच में, तो अपना घोस्ट का ब्रेक पॉइंट है ना, उसका उन लोगों ने बेटा रिलीज किया था बेटा, तो बेटा में उन लोगों ने बहुत सारे जो बूस्टर रेनबो सिक्स सीज में कैसे एक्सपीरियंस बूस्टर था, जो फटाफट एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं या फिर थोड़े टाइम के लिए एक्सपीरियंस गेम जाते हैं, वैसे काइंड ऑफ वैसे पे टू विन ही हुआ ना, तो वैसे बहुत सारे जो पे टू विन कंटेंट था बूस्टर और गन्स वेपन्स और प्लेटिनम पैक और वो सब था, वो घोस्ट रिकॉन के बेटा वर्जन में उन लोगों ने गलती से लाइव कर दिया था, ब्रेक पॉइंट के बेटा वर्जन में। मतलब उन लोगों का क्या था बोलना कि हम लोग ये मतलब थोड़ा जब गेम सेटल हो जाएगा थोड़े महीनों बाद, उसके बाद जो नए प्लेयर्स होंगे जिनको यूज़ करना होगा उनके लिए ये मतलब से ऑप्शन रखेंगे हम लोग, मतलब एक्सपीरियंस गेन करने का और वो सब जल्दी जल्दी पे टू विन कंटेंट। लेकिन उन लोगों ने पहले ही मतलब से रिलीज कर दिया, तो जो भी प्लेयर बेस था उन लोगों ने जो ऐसा ट्रोल करना चालू कर दिया उनको, यूज होगा लोगों कि बेसिकली कर कर रहे थे वो समझ दिया। अरे क्या हुआ था ये के गेम्स में क्या होता है जो मतलब ऐसे बूस्टर पैक सी से ट्राई कर या फिर ई दबाई या फिर स्पेस दबा दे ऑटोमेटिक ऐसे कूद के छोड़ दे,
स्पेस दबा दे, नीचे दबा, नीचे का बटन दबा दे। क्या कर दिया था? तो ये कि इसमें मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ था स्टार वॉर्स बैटल फ्रंट के टाइम पे, कि जो बूस्टर पैक्स और वो सब थे उनके और पे टू विन कंटेंट था, मतलब लूट बॉक्सेस बोलते हैं, लूट बॉक्सेस मतलब कैसा होता है मालूम क्या, कि सपोज तेरे पास लेवल 64 का गन है बराबर, लेकिन वो ब्लू रैरिटी का है, ब्लू रैरिटी का, और तू कोई पैक खरीद रहा है $5 या $10 डाल के, मतलब कोई ऐसे मतलब एक रैंडम लूट बॉक्स खरीद रहा है, वो लूट बॉक्स ओपन करने का तुझे वही गन मिला गोल्डन वेराइटी का बराबर, वही गन मिला गोल्डन वेराइटी का, और उसका डैमेज तेरी गन से लगभग थोड़ा ज्यादा होगा, लगे मतलब ऐसे 5 डैमेज ज्यादा होगा और फायर रेट ज्यादा होगा वो सब, तो तूने तो पैसे डाल के ही मतलब तू ऐसे गेम को पार कर रहा है ना, मतलब बेसिकली तेरे को एक एडवांटेज है प्लेयर मतलब पीवी की के साथ, पैसे डाल के लूट बॉक्स खरीद के बड़ी-बड़ी एक एडवांटेज गेन कर रहा है, एक एडवांटेज गेन कर रहा है अपोनेंट के सामने, भले ही वो एआई क्यों ना, मतलब डिवीजन में तो यूजुअली तू ज्यादातर एआई फेस करता है लेकिन ह्यूमन प्लेयर भी आता है उसमें, तो अरे ये तो गलत अनफेयर तो हो ही गया लेकिन एडिक्टिव भी बहुत है मालूम तुझे, मतलब तू पहला लूट बॉक्स खरीदता है ना तो एडिक्शन उतना, हाँ अरे बहुत एडिक्टिव है, तो इसके वजह से कुछ कंट्रीज ने बैन भी किया हुआ है और कुछ कंट्रीज ने ये के सामने मतलब ऐसे ये और दो तीन और कंपनी है उनके सामने थोड़ा मतलब ऐसे इश्यूज उठाए हुए है, लेकिन एक बीच में एक सीन हो गया था, फनी सीन हुआ था कि एक ये का कोई एग्जीक्यूटिव था, फीमेल एग्जीक्यूटिव थी कोई, उन्होंने क्या बोला था कि लूट बॉक्सेस हमारे लिए एक सरप्राइज मैकेनिक से कर गया, सरप्राइज मैकेनिक से इसलिए हो गया कि वो लोग पैसे ज्यादा कमा रहे हैं लूट बॉक्सेस से, अरे सरप्राइज अरे नहीं मतलब उन लोगों ने मतलब जब ऐसे जो कमेटी होती है ना, कमेटी जो ये गेमिंग कंटेंट और उस पर डिसीजन लेती है कि क्या दिखना चाहिए क्या नहीं, ये फिल्म्स के लिए कैसे कैसे मतलब जैसे मैच्योर कंटेंट और ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक कमेटी बैठती है कि फिल्म प्रॉपर है कि नहीं और उसमें न्यूज वीडियो वो सब चेक करने के लिए, तो ऐसे गेमिंग के लिए भी ऐसे होते हैं लोग, तो उन लोगों ने जब ऐसे मतलब ये का देखा कि माइक्रो ट्रांजैक्शन का सीन है और लोग ऐसे पैसा डाल रहे हैं, काइंड ऑफ ऐसे गैम्बलिंग ही हो गया ना बेसिकली, मतलब ऐसे पैसा डाल रहा है और उसमें तो वेट कर रहा है कि तेरा लक लगेगा कि नहीं करके, तो गैम्बलिंग ही हो गया ना, ऑनलाइन गैम्बलिंग टाइप का सट्टा ही हो गया ना काइंड ऑफ, तो उन लोगों ने मतलब ये सट्टे वाली प्रैक्टिस को सरप्राइज मैकेनिक्स के नाम पे ऐसा ब्लेंड करने का ट्राई किया, कि ऐसा वो बोल रहे थे कि हमारे ये लूट बॉक्सेस गैम्बलिंग के लिए नहीं है, सरप्राइज मैकेनिक्स से कर गए, तो जो जो ऐसे अरे वही ना मतलब कोई ऐसे मतलब ऐसे क्या बोलते हैं अनएथिकल चीज को उन लोगों ने एथिकल दिखाने का ट्राई किया, लेकिन जो पूरी पब्लिक ने ट्रोल किया ये को और इसको, ये के स्टॉक से डाउन ही जा रहा है, ये ना बहुत बैक टू बैक बहुत ऐसे गेम्स निकाले जो माइक्रो ट्रांजैक्शन का शिकार हो गया, मालूम क्या ऐसा देखा जाए तो स्टार वॉर्स बैटल फ्रंट तो अच्छा गेम है, बहुत सही गेम है, पॉलिश गेम है, लेकिन ये माइक्रो ट्रांजैक्शन का बहुत टूटिया पड़ा, मतलब सपोज ऐसा माइक्रो ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँ ना, माइक्रो ट्रांजैक्शन होता है ना मतलब जो पैसे डाल के तो लूट बॉक्स खरीद रहा है उसको माइक्रो ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं इंडियन करेंसी में, उसका वही तेरे को इंडियन परचेजेस तब अच्छे लगते हैं जब वो उसमें स्किन्स पे ना फ्री गिफ्ट्स स्किन्स पे स्किन्स को सही है जब वॉर अरे नहीं अरे फ्री गेम्स में लेकिन वॉरफ्रेम तो बैलेंस्ड गेम है, मतलब तू खेलेगा ना वॉरफ्रेम तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तू मतलब ऐसे पे करेगा और तेरा लेवल एक्सपी बूस्ट हो रहा है या उतना नहीं है, उस लेवल तक नहीं है, मतलब तू ग्राइंड करके भी वैसे प्रॉपर लेवल अप कर सकता है उतना जल्दी, ये अभी क्या हो रहा है मतलब गेमिंग कंपनी यूजुअली क्या कर रही है, जो नॉर्मल ग्राइंड होता है नॉर्मल ग्राइंड मतलब तेरे को इतना टाइम देना है लेवल अप होने के लिए, तो वो टाइम पीरियड बहुत बढ़ा दे रही है, बहुत इतना एक्सटेंड तक बढ़ा दे रही है कि तेरे को पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तो खेल खेल के कंटाल जाएगा करके, कितना ग्राइंड करेगा तुझे ऐसा, तेरे को घंटों घंटों तक ऐसे ग्राइंड करना पड़ेगा तेरे को उस लेवल तक पहुंचने के लिए, और तेरे को घंटों ग्राइंड नहीं करना तो थोड़ा सा अमाउंट पे करके उतना लेवल सीधा बूस्ट कर लेगा अपना, भाई
क्या इसके वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पूरे टाइम तो गेम पे नहीं बैठते होंगे, इवेंचुअली गेम में खेलते हैं, इवेंचुअली उनको अपने लेवल अप करवा देगा है फास्ट, तो उसको मतलब जबरदस्ती तो है ना पैसे खर्च करेंगे। जो फुल टाइम गेमर्स थे वो लोग पैसे खर्च कर सकते, बट हम जैसे गेमर्स का क्या हाल हुआ है यार, ये लोग को सोचना चाहिए यार अरे हाल का तो कुछ नहीं, अरे हाल का तो कुछ नहीं, हम खेल तो सकते हैं वैसे, ऐसा कुछ नहीं। गेम तो वैसे अगर एक्सपी एक्सपीरियंस कम भी मिले तो भी चलता है मुझे, स्टोरी और गेम प्ले अच्छा होना चाहिए बस मेरे लिए तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, नहीं प्रॉब्लम क्या होता है, सिंगल प्लेयर गेम्स में तो प्रॉब्लम नहीं होता, मल्टीप्लेयर गेम्स होते हैं ना उसमें सामने वाले को एडवांटेज मिल जाता है, समझ रहा है, मतलब सामने वाला हाई लेवल का है तो वो पक्का तेरी मार के जाने वाला, तेरे को मालूम है। हाँ तेरा स्किल अच्छा हुआ तो तू लकीली कैसे जीतता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जिसका लेवल ज्यादा है वही जीतता है, जीतता है तो वही एक प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। मतलब एक मतलब ऐसा फेयरनेस तो मतलब ऐसे कोई गेम्स में लगता ही नहीं है। एक तो रेनबो सिक्स गेम है वो एक थोड़ा यूनिक, जिसमें मतलब ऐसे कोई भी मोड पे तू खेल वो पूरा स्किल पे आता है, फिर ऑपरेटर ले या फिर कोई भी मतलब ऐसे, तो वो पूरा पूरा स्किल पे आता है, उसमें अनफेयरनेस नहीं लगता कि सामने वाले डिफेंडर का, हाँ सामने वाले डिफेंडर का लेवल ज्यादा है इसलिए उसके पास 3 हेल्थ किट है, ऐसा कुछ नहीं लगता रेनबो सिक्स सीज में। अरे नहीं नहीं लेकिन रेनबो सिक्स सीज में कॉम्पिटिटिवनेस का फील आता है, लेकिन जिसको ग्राइंड करके मजा आ रहा हो ना गेम में तो उसके लिए रेनबो सिक्स सीज नहीं है, मालूम क्या मतलब ग्राइंड का भी अपना ही अलग मजा है, तेरे को नहीं मालूम ग्राइंड में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट तो ऐसा गेम में जो ग्राइंड का मैकेनिक था ना, मतलब तू इतना इतना टाइम खेल के कुछ कुछ ऐसा ऑब्टेन कर रहा है, ऐसा काइंड ऑफ स्वॉर्ड ऑफ द पावर या फिर ऐसे, हां वही, लेकिन वो भी ऐसा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अल्फा। हां अल्फा बैक तो ठीक है वो तो एक स्किन कॉस्मेटिक, लेकिन मैं वर्दी आइटम की बात कर रहा हूं, जैसे कि कोई नया सेट ऑफ आर्मर एकदम से कूल दिख रहा हो, स्टैट्स भी अच्छे, या फिर कोई ऐसा मतलब ऐसे नया कोई ऐसा मिल रहा हो जिससे मतलब ऐसे कोई न्यू गेम मैकेनिक, जैसे कि कोई स्केट बोर्ड या कोई ऐसे पैराशूट या फिर ग्लाइडिंग आइटम, समझ रहा है, तो मतलब ऐसे सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, लेकिन उसको ही तो अनबेरेबल कर देगा, मतलब जिस जिस गेम को मतलब जिस लेवल अप को तेरे को लगभग सपोज 1 घंटा लगना चाहिए उसको तो 10 घंटा कर देगा, तो फिर इसको कोई सेंस ही नहीं है ना, तो 10 घंटे तक बंदा ग्राइंड ही करते बैठा एक लेवल के लिए। और भी बहुत सारी चीजें है, और भी बहुत सारी चीजें है, ये अनफेयरनेस का है सीन, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें है। मैं बेसिकली क्या बताऊंगा, डेवलप फॉल्ट ऑफ प्रॉब्लम क्या मालूम है, गेमिंग इंडस्ट्री का जो मार्केट है ना वो बहुत ही सैचुरेटेड हो गया है, मतलब बहुत सारी सेम सेम टाइप के गेम आ रहे हैं, तो जो सेम सेम टाइप की गेम आ रहा है तो लोग खरीद नहीं रहे, ऊपर से मतलब यूनिक आइडियाज नहीं मिल रहा है अभी, मतलब ऐसे काइंड ऑफ से कोई नया जनरा आ ही नहीं रहा गेम का, बहुत ऐसे लिमिटेड जनरा पे ऐसे आ गया है, सैचुरेट पहले तो मतलब ऐसे उतना निकला नहीं था तो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ था गेमिंग में, अभी मतलब ऐसे कोई नया जनरा ऐसा बहुत मुश्किल, नया ऐसा टाइप का गेम बहुत मुश्किल से दिख रहा है। पर मैं भी सोच रहा हूँ कि जैसे यूनिक बोल सकते हैं, एकदम यूनिक ऐसा खुद का ऐसा ओरिजिनल गेम एकदम से बहुत ऐसा मुश्किल से दिखता है, तो वही एक प्रॉब्लम है, तो लोग भी ऐसा बार बार वही वही गेम का रिकॉर्ड बना गया बेच रहा है और लोग खरीद नहीं रहा है, आइडियाज दिए इसकी वजह से ऐसे उसकी वार लगा दिया ऐसे। हाँ ये सच है, ये स्पार्टन्स का और इजिप्शियंस का क्या काम है, अरे कंटेंट डालने के लिए डाल दिया, स्टोरी अच्छा रहेगा गेम प्ले, लेकिन पूरा ग्राइंड ही कर दिया पूरा, मतलब असेंस क्रीड में क्या अच्छा लगता रहा हूँ, स्टेल्थ किल कर दिया एक ही बॉस का, मतलब चुपचाप जाकर खत्म करके भग जाओ कर गए वैसा, लेकिन अभी तो मतलब उसके सामने हैंड उसके सामने सा मतलब हैंड टू हैंड लड़ो तो उस पर, अरे
एक बुलेट स्पॉन्ज का ऐसा ट्रिक है, मतलब मैकेनिक्स है गेम मैकेनिक्स बुलेट स्पॉन्ज का. उसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा एनिमी को टफ दिखाना हो ना, तो एक तो उसका हेल्थ बार मैसिव कर दो, मतलब उसको लगभग ऐसे 50-100 हिट मारने पड़े तभी मरे, और उसके मूवमेंट एकदम ऐसे वियर्ड कर दो. ये दो हर इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है, हर गेम से इम्प्लीमेंट हो रहा है. मतलब ऐसे क्या होता है, एक मूवमेंट का सेट बना देते वो लोग 10-12 मूवमेंट का एक्शन का, और उस एनिमी का हेल्थ बार मैसिव कर देते वो लोग. तो एनिमी को मारने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि एक हिट में उसको डैमेज भी बहुत कम हो रहा रहता है, तो ऐसा लगता है कि एनिमी बहुत हार्ड है. लेकिन कुछ होता नहीं है, सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है. देखना तू